सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब घर पर हैं और स्वस्थ हैं। तो चलिए आज हम अपनी आज की पढ़ाई को शुरू करते हैं। आज हम कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान के अध्याय 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन को पढ़ेंगे। पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन का परिचय। इस अध्याय में हम सोवियत संघ के बिखरने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि एक उभरते हुए विश्व में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के पुनर्निर्माण की बातें हो रही थी। इन्हीं चुनौतियों में से एक थी अमेरिका की शक्ति का बढ़ना। सुधार की प्रक्रियाओं और उनकी कठिनाइयों की एक मिसाल संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में होने वाला बदलाव है। संयुक्त राष्ट्र संघ से भारत का जुड़ाव और सुरक्षा परिषद के सुधारों को लेकर उसका विशेष दृष्टिकोण अपने आप में जानकारी का एक अहम विषय है। इस अध्याय का अंत इस सवाल से किया गया है कि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसे विश्व में कोई भूमिका निभा सकता है जिसमें किसी एक महाशक्ति का दबदबा हो। इस अध्याय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की चर्चा भी की गई है। बच्चों, यह एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है, वहाँ का झंडा। इसमें दुनिया का नक्शा बना हुआ है और यह संयुक्त राष्ट्र संघ का झंडा है और इसमें ये चारों तरफ जो आप पत्तियां देख रहे हैं, ये पत्तियां जैतून की पत्तियां हैं जो कि वहां पे विश्व शांति का प्रतीक है। जैतून की पत्तियां विश्व शांति का प्रतीक मानी जाती है। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्यों होना चाहिए। तो इस तरह के कार्टून और टिप्पणियां हैं, तो दूसरी ओर हम पाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ को आज की दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन माना जाता है। अमूमन UN कहे जाने वाले इस संगठन को विश्व भर के बहुत से लोग एक अनिवार्य संगठन मानते हैं। यह संगठन उनकी नज़र में शांति और प्रगति के प्रति मानवता की आशा का प्रतीक है। हमें संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठनों की ज़रूरत क्यों है? आइए यहाँ हम ऐसे दो लोगों के विचार पढ़ते हैं जिन्होंने इस संगठन के कामकाज की अंदरूनी जानकारी। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन मानवता को स्वर्ग पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उसे नरक में से बचाने के लिए किया गया है। यह वक्तव्य दिए हैं डेग हैमरसोल्ड, संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव। बतकही के चौपाल ठीक कहा, संयुक्त राष्ट्र संघ में खूब बैठकें होती हैं, दनादन भाषण होते हैं, खासकर आम सभा के वार्षिक सत्र में। लेकिन जैसा कि चर्चिल कहते थे, हथियार लड़ाने से बढ़िया है कि जवान लड़ाई जाए। क्या यह बात बेहतर नहीं कि एक ऐसी जगह भी हो जहां दुनिया के सारे लोग, सारे देश इकट्ठे हों और कभी कभार अपनी बातों से एक दूसरे का सर खाएं? वनस्पत लड़ाई के मैदान में एक दूसरे का सर कलम करने से। शशि थरूर, संयुक्त राष्ट्र संघ के सार्वजनिक सूचना और संचार के पूर्व अवर सचिव। ये दो उद्धरण एक महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन हर मर्जी की दवा नहीं, लेकिन ये महत्वपूर्ण जरूर है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध और शांति के मसलों में मदद करते हैं, वे देशों की सहायता करते हैं ताकि हम सब की बेहतर जीवन स्थितियाँ कायम रहें। देशों के बीच मनमुटाव और झगड़े होते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपने बैर विरोध के कारण वे एक दूसरे से युद्ध का ठान लें। इसकी जगह वे विभेद के मसलों पर बातचीत कर सकते हैं और उसका एक समाधान ढूंढ सकते हैं। वस्तुतः अधिकांश झगड़ों और विभेदों का समाधान बिना युद्ध के भी किया जा सकता है, लेकिन यह एक ऐसा तथ्य है जिस पर कम ध्यान जाता है। इस संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। जब राज्यों में इस बात की सहमति होती है कि कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनना चाहिए,
तभी ऐसे संगठन कायम होते हैं। एक बार इनका निर्माण हो जाए तो ये समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान में सदस्य देशों की मदद और सहायता करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक और तरीके से मददगार साबित होते हैं। राष्ट्रों के सामने अक्सर कुछ काम ऐसे आ जाते हैं जिन्हें साथ मिलकर ही करना होता है। कुछ मसले इतने चुनौतीपूर्ण होते हैं कि उनसे तभी निपटा जा सकता है जब सभी साथ मिलकर काम करें। इसकी एक मिसाल तो बीमारी ही है। कुछ रोगों को तब ही खत्म किया जा सकता है जब विश्व का हर देश अपनी आबादी को टीके लगवाने में सहयोग करे। हम ग्लोबल वार्मिंग और उसके प्रभावों का भी उदाहरण लें। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने से तापमान बढ़ता है, इससे समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ने का खतरा है। अगर ऐसा हुआ तो विश्व के समुद्र तटीय इलाके जिसमें बड़े बड़े शहर भी शामिल हैं डूब जाएंगे। हर क्षेत्र अपने अपने तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों का समाधान ढूंढ सकता है। यह तभी संभव है जब इस सबसे प्रभावकारी समाधान तो यही है कि वैश्विक ताप वृद्धि को रोका जाए। इसके लिए विश्व में बड़े औद्योगिक देशों का सहयोग करना बहुत जरूरी है। दुर्भाग्य से सहयोग की जरूरत को पहचानना और सचमुच में सहयोग करना दो अलग अलग बातें हैं। देश सहयोग करने की जरूरत को पहचान सकते हैं, लेकिन सहयोग का बेहतर तरीका क्या हो इस पर हमेशा उनके बीच सहमति नहीं हो सकती। सहयोग में आने वाली लागत का भार कौन कितना उठाएगा, सहयोग से होने वाले लाभों का आपसी बंटवारा न्यायोचित ढंग से कैसे हो, मोल तोल के बाद जो तय हो जाए उससे कोई मुकरे नहीं, और आपसी समझौते के बाद जो बातें तय हुई हैं उनमें कोई भी दगा ना करे, इन बिंदुओं पर सभी देश हमेशा सहमत नहीं होते। शीत युद्ध के बाद के समय में कुछ संगठनों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खासकर विश्व की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। इनमें एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रतीक चिन्ह है। यह संगठन वैश्विक स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है और मांगे जाने पर वित्तीय तथा तकनीकी सहायता भी मुहैया कराता है। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन सहयोग करने के उपाय और सूचनाएं जुटाने में मदद कर सकता है। ऐसा संगठन नियमों और नौकरशाही की एक रूपरेखा दे सकता है ताकि सदस्यों को यह विश्वास हो कि आने वाली लागत में सबकी समुचित साझेदारी होगी, लाभ का बंटवारा न्यायपूर्ण तरीके से होगा, और कोई सदस्य एक बार समझौते में शामिल हो जाता है तो वह इस समझौते के नियम और शर्तों का पालन करेगा। शीत युद्ध के बाद अब संयुक्त राष्ट्र संघ थोड़ी अलग भूमिका निभा सकता है। हम ऐसा अनुमान कर सकते हैं कि अमेरिका और उसके खेमे के देश विजेता बनकर उभरे हैं। ऐसे में बहुत से लोगों और सरकारों को इस बात की चिंता सता रही कि अमरीकी की अगुवाई में पश्चिम देश इतने ताकतवर हो जाएंगे कि उनकी इच्छाओं आकांक्षाओं पर लगाम कसना असंभव होगा। क्या संयुक्त राष्ट्र संघ अमरीका के साथ संवाद और चर्चा में मददगार हो सकता है? क्या यह संगठन अमरीकी सरकार की ताकत पर अंकुश लगा सकता है? हम इन सवालों के उत्तर अध्याय के अंत में खोजेंगे। अब है संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास। पहले विश्व युद्ध ने दुनिया को इस बात के लिए जगाया कि झगड़ों के निपटारों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप लीग ऑफ नेशंस का जन्म हुआ। शुरुआती सफलताओं के बावजूद यह संगठन दूसरा विश्व युद्ध जो 1939 से 1945 को रोक न सका, पहले की तुलना में यह महायुद्ध कहीं ज्यादा लोग मारे गए और घायल। 1942 की संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा के आधार पर दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1943 में अमेरिका के युद्ध सूचना विभाग यूनाइटेड स्टेट ऑफिस ऑफ वॉर इंफॉर्मेशन द्वारा तैयार किया गया यह पोस्टर है। इस पोस्टर में उन देशों के झंडों को देखा जा सकता है जिन्होंने मित्र राष्ट्रों के युद्धक प्रयासों के समर्थन करने का संकल्प किया था। यह पोस्टर एक अर्थ में महत्वपूर्ण है। यह दिखाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जड़ें युद्ध में थीं।
ये है संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना और उनके प्रमुख अंग सहायक निकाय, उससे संबंधित संगठन, कार्यक्रम और कोष, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, यह संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं, सुरक्षा परिषद, सचिवालय और आम सभा, शोध और प्रशिक्षण संस्थाएं, ये सभी इस चित्र में दिखाया गया है। लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सन 1945 में इसे स्थापित किया गया। इन कार्बन देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में घोषणा पत्र पर दस्तखत करने के साथ इस संगठन की स्थापना हो गई। दो विश्व युद्धों के बीच लीग ऑफ नेशंस जो नहीं कर पाया था उसे कर दिखाने की कोशिश संयुक्त राष्ट्र संघ ने करी। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग की राह दिखाना। इसकी स्थापना के पीछे यह आशा काम कर रही थी कि यह संगठन विभिन्न देशों के बीच जारी ऐसे झगड़ों को रोकने का काम करेगा जो आगे चलकर युद्ध का रूप ले सकते हैं, और अगर युद्ध छिड़ भी जाए तो शत्रुता के दायरे को सीमित करने का काम करेगा। इसके अलावा चूंकि झगड़े अक्सर सामाजिक आर्थिक विकास के अभाव में खड़े होते हैं, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की एक मंशा पूरे विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न देशों को एक साथ लाने की है। 2011 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 थी। इसमें लगभग सभी स्वतंत्र देश शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में हर एक सदस्य को एक वोट हासिल है। इसके सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, इनके नाम है अमरीका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। दूसरे विश्व युद्ध के बाद के समय में ये देश सबसे ज़्यादा ताकतवर थे और इस महायुद्ध के विजेता भी रहे, इसलिए इन्हें स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा और उसका प्रधान प्रतिनिधि महासचिव होता है। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है, वह संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें महासचिव हैं। उन्होंने महासचिव का पद 1 जनवरी 2017 को संभाला। ये 1995 से 2002 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री और 2005 से 2015 तक यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी रहे। संयुक्त राष्ट्र संघ की कई शाखाएं और एजेंसियां हैं। सदस्य देशों के बीच युद्ध और शांति तथा वैर विरोध पर आम सभा में भी चर्चा होती है और सुरक्षा परिषद में सामाजिक और आर्थिक मुद्दों से निपटने के लिए कई एजेंसियां हैं, जिनमें विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकार आयोग UNHRC और संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग UNHCR और UN, यूनिसेफ और संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को शामिल है। शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। बदलते परिवेश में जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी संगठन में सुधार और विकास करना लाजमी है। संयुक्त राष्ट्र संघ में इसका अपवाद नहीं। हाल के वर्षों में इस वैश्विक व्यवस्था संस्था में सुधार की मांग करते हुए आवाजें उठी और सुधारों की प्रवृत्ति के बारे में कोई स्पष्ट राय और सहमति नहीं बन पाई। संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने दो तरह की बुनियादी सुधारों का मसला है। एक तो यह कि संगठन की बनावट और इसकी प्रक्रियाओं में सुधार किया जाए, दूसरे संगठन के न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए। लगभग सभी देश सहमत हैं कि दोनों देशों की तरह ही ये सुधार जरूरी है। देशों के बीच में सहमति इस बात पर नहीं इसके लिए दरअसल ठीक करना क्या है और कैसे करना और कब करना है। प्रक्रियाओं में सुधार के अंतर्गत सबसे बड़ी बहस सुरक्षा परिषद के कामकाज को लेकर। इससे जुड़ी हुई एक मांग यह है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए ताकि समकालीन विश्व राजनीति वास्तविकताओं की इस संगठन में बेहतर नुमाइंदगी हो सके। खासतौर पर
एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के ज़्यादा देशों में को सुरक्षा परिषद में सदस्यता लेने की बात उठी है। इसके अतिरिक्त अमेरिका और पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट से जुड़ी प्रक्रियाओं और इनके प्रशासन में सुधार चाहते हैं। जहाँ तक संयुक्त राष्ट्र संघ में किसी मुद्दों को ज़्यादा प्राथमिकता देने अथवा उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधिकार में लाने का सवाल है, तो कुछ देश और विशेषज्ञ चाहते हैं कि यह संगठन शांति और सुरक्षा से जुड़े मिशनों को ज़्यादा प्रभावकारी अथवा बड़ी भूमिका निभाए, जबकि औरों की इच्छा यह है कि यह संगठन अपने को विकास तथा मानवीय भलाई के कामों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, जनसंख्या नियंत्रण, मानव अधिकार, लिंगगत न्याय और सामाजिक न्याय तक ही सीमित रखे। आइए हम दोनों की किस्मों के सुधारों पर नज़र दौड़ाएँ। इस चर्चा में हम ज़्यादा से ज़्यादा और ढांचागत और प्रक्रियागत सुधारों को देंगे। ये संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं जो 1946 से लेकर 2017 तक विभिन्न लोग जो हैं महासचिव रहे हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं, इसमें उनका पूरा डिटेल लिखा हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना दूसरे विश्व युद्ध के बाद सन 1945 में हुई। इस महायुद्ध के बाद विश्व राजनीति की जो सच्चाइयां थी उसी के अनुरूप इसका गठन हुआ और इसके कामकाज में तत्कालीन विश्व राजनीति की वास्तविकताएं झलकती थी। शीत युद्ध के बाद ये सच्चाइयां बदल गई और सन 1991 से आए बदलावों में जो बदलाव आए वो निम्नलिखित है। सोवियत संघ बिखर गया, अमरीकी सबसे ज़्यादा ताकतवर है। सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य रूस और अमरीका के बीच अब संबंध कहीं ज़्यादा सहयोगात्मक हो गए। चीन बड़ी तेजी से एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत भी तेजी से इस दिशा में अग्रसर है। एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से तरक्की कर रही है। अनेक नए देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए। ये देश हैं सोवियत संघ से आज़ाद हुए देश अथवा पूर्वी यूरोप के भूतपूर्व साम्यवादी देश। विश्व के सामने चुनौतियों की एक पूरी नई कड़ी है। जनसंहार, ग्रह युद्ध, जाति संघर्ष, आतंकवाद, परमाणविक प्रसार, जलवायु में बदलाव, पर्यावरण की हानि, महामारी मौजूद। देश ऐसी दशा में जब शीत युद्ध का अंत 1989 में हो रहा था तो विश्व के सामने सवाल था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का होना पर्याप्त है? जो कुछ करना जरूरी है क्या उसे करने में संयुक्त राष्ट्र संघ सक्षम है? इसे क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? संयुक्त राष्ट्र संघ बेहतर ढंग से काम कर सके इसके लिए कौन से सुधार जरूरी हैं? पिछले 15 सालों में इसके सदस्य देश इन प्रश्नों के व्यवहारिक और संतोषजनक उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों, आपने आज का वीडियो देखा और सुना। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पाठों को याद करेंगे, प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे और याद करेंगे।